आपका गोल्डफिश उल्टा स्विम कर रहा है क्या, या आपका गोल्डफिश साइड में स्विम कर रहा है आड़ा टेढ़ा? आपका टूथपेस्ट में नमक है क्या? ओ सॉरी सॉरी, वो इसमें नहीं होगा, गोल्डफिश में रहते हैं। तो जब भी आपका गोल्डफिश उल्टा स्विम होता है या साइड में स्विम होता है, ठीक है, इसको हम स्विम ब्लैडर डिजीज बोलते हैं। स्विम ब्लैडर डिजीज या एयर ब्लैडर डिजीज, ओके, ये गोल्डफिश में बहुत कॉमन है एंड काफी लोगों के, आपके घर में भी होता होगा। नाउ कभी भी कोई भी इश्यू होता है, कोई भी डिजीज होता है, तो फटाफट मेडिसिन मत डालो, ठीक है, ये मेडिसिन डाल दिया, वो मेडिसिन डाल दिया, कुछ लिक्विड डाल दिया, मेट्रोजेल डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, ठीक है। सब ट्रीटमेंट्स सिंपल मेथड्स में हो सकता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये छोटे छोटे जीव है। जब हम एंटीबायोटिक्स जैसे मेट्रोजेल या कोई भी सिप्लॉक्स ऐसा डालते हैं, तो हमें मेजरमेंट नहीं पता होता है उनका सिस्टम कितना खराब होगा करके। इंसानों को अगर इतना साइड इफेक्ट्स हो सकता है मेट्रोजेल से, तो सोचो फिश का हालत क्या होता होगा। एग्जाम्पल देता हूं, आपको बुखार है और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि सुबह में एक क्रोसिन लेना, शाम को एक क्रोसिन लेना खाने के बाद। अगर आपने हर एक घंटे में एक एक क्रोसिन लिया तो क्या होगा, आपको ओवरडोज होगा और बीमार पड़ोगे। सेम इनके लिए भी, छोटे मछली है, छोटे हैं, सेंसिटिव है, और जब आप स्ट्रांग एंटीबायोटिक्स डालते हो तो उनको तकलीफ होने लगता है। ठीक है, कमिंग बैक, स्विम ब्लैडर डिजीज होता क्यों है? ठीक है, फिश के अंदर एनाटॉमी में, बॉडी में एक एयर ब्लैडर करके एक ऑर्गन है, जैसे हमारा लंग्स है वैसे उनका एयर ब्लैडर होता है। ये एयर ब्लैडर किस चीज का काम आता है? जैसे अभी फिश ऊपर स्विम कर रहा है, सडनली नीचे चला गया, तो वो गैस उसके अंदर जो हवा है उसको एडजस्ट करके ऊपर या नीचे आता है। मतलब हवा भरेगा तो नीचे जा सकता है, हवा छोड़ेगा तो ऊपर आ सकता है। ठीक है, वेट, ओके, वजन समझो, वजन क्रिएट करता है, और इंग्लिश में हम बॉयंसी बोलते हैं, ताकि वो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे स्विम कर सके। ओके, ये बहुत जरूरी ऑर्गन है एक फिश के लिए। और ये डिजीज आता कैसे है? दो चीजों से। इश्यू नंबर वन, इंटरनल पैरासाइट। जैसे आपने फिश दुकान से खरीद के लाया, क्वारंटाइन नहीं किया, ओके, क्वारंटाइन करना जरूरी है, ओके, और इंटरनल पैरासाइट क्लीन करना जरूरी है, मतलब पेट साफ करना जरूरी है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक या दो दिन घर में लाने के बाद खाना मत खिलाओ। और तीसरे दिन, ठीक है, बॉइल्ड पीज, मटर या वटाना अच्छे से बॉइल करके, सॉफ्ट करके, उसका छिलका निकाल के सिर्फ वो खिलाओ। पेट साफ होता है।
एप्सम सॉल्ट भी काम आता है। ओके, ये दो चीज अगर इंटरनल पैरासाइट है तो। और पता कैसे चलेगा इंटरनल पैरासाइट है? इनका जो वेस्ट है या पूप है व्हाइट कलर का दागा जैसा निकलेगा। मतलब इंटरनल पैरासाइट है, उसका नुस्खा मैं बता चुका हूं। अब दूसरा चीज स्विम ब्लैडर इश्यू होने का इज ओवरफीडिंग, कॉन्स्टिपेशन। हम भी अगर थोड़ा ज्यादा खा लिए, बिरयानी हो या यू नो कोई भी फेस्टिवल में थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, आप अभी देखोगे मैं कैसे करता हूं। जैसे आपने ये वाला फिश देखा था कि वो थोड़ा उल्टा घूम रहा है, आड़ा टेढ़ा घूम रहा है, इश्यू हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे देख लो। पहले पानी में हीटर, दूसरा रॉक सॉल्ट, तीसरा मल्टीविटामिन, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मटर या पीस। इन सब में कोई भी मेडिसिन नहीं है, ये घरेलू नुस्खे हैं, ठीक है, सिंपल नुस्खे हैं और 99% रिजल्ट। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था ना कि खाना अच्छा खिलाओ, गुड क्वालिटी खाना खिलाओगे, लिमिटेड खिलाओगे तो मछली हेल्थी रहेगा। ओवरफीड करोगे, सस्ता खाना खिलाओगे, बीमार पड़ेगा, और जब बीमार पड़ेगा प्लीज आड़ा टेढ़ा मेडिसिन मत लाओ। ओके, सिंपल घर के नुस्खे बहुत काम आते हैं। तो ये पहला वीडियो है होममेड फूड या घर के नुस्खे मेडिसिन की श्रृंखला में, और भी एक दो वीडियो आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बन रहा है, जल्दी मत करना, पेशेंट रहो, बहुत सुंदर बनके मैं दिखाता हूं। ओके, तो चलो ये वाले फिश को, गोल्ड फिश को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं देखेंगे। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो ये वाला फिश ना थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा स्विम कर रहा है, ये देखो, और थोड़ा साइड हो रहा है। इसमें स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर का प्रॉब्लम है। तो पहला क्या करेंगे, हम एक बास्केट लेंगे, ऐसा वाला जो जाली वाला है, जाली वाला बास्केट, और ये फिश को ये बास्केट में सेपरेट करेंगे। वही टैंक में कर सकते हैं या आप दूसरा टैंक में भी कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेट करने से इसको थोड़ा इजी मिलेगा, और दूसरा टैंक में करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो अभी ये फिश को पकड़ेंगे और बास्केट में डालेंगे। अगर ये आप छोटे टैंक में करोगे या हॉस्पिटल टैंक में करोगे तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज वो ट्रीटमेंट फिश के लिए ही होगा। नाउ इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसके लिए इज एक हीटर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटर 28 डिग्रीज में होना भी जरूरी है, ठीक है। और अगर अलग टैंक में रखते हैं फिश को तो उसमें एयर पंप होना, हल्का सा फिल्ट्रेशन होना, ये सब जरूरी है। तो अभी हमने इसको सेपरेट किया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, ये भी यूज कर सकते हो या घर का रॉक सॉल्ट भी यूज कर सकते हो। देखो मैं कितना थोड़ा सा ले रहा हूं, एक आधा चम्मच होगा, ठीक है। सॉल्ट डाला, अगर थोड़ा मछली सॉल्ट खा भी लेता है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। दूसरा चीज हम डालेंगे और वो है मल्टीविटामिन। आप मल्टीविटामिन कोई भी यूज कर लो, मैं एडीए का वीटामिक्स यूज कर रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है।
ये एडीए बोलते हैं 1 ml फॉर 10 liters, बड़ा टैंक है, फिर भी मैं इसमें 3 ml डाला है मैंने। ये फिश के लिए फर्स्ट स्टेप है, मतलब आप फर्स्ट एड समझो। अगर एक दो दिन में फिश सीधा स्विम नहीं करता है या ठीक से स्विम करने का कोशिश भी नहीं करता है और अभी भी वैसे ही उल्टा या आड़ा या टेढ़ा कर रहा है स्विमिंग, तो देन सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है पीस, हिंदी में मटर, मराठी में वटाना और भी पीस, इंग्लिश में पीस। इसको मैंने अच्छे से बॉईल किया है सॉफ्ट होने तक, ये देखो ये पूरा सॉफ्ट हो गया है, और मैंने छिलका भी निकाल दिया है, छिलका निकालना जरूरी है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि ये फिश खाए। अभी मैंने जैसे पहले बोला था, ये फिश को हमने 2-3 दिन खाना नहीं दिया है, ठीक है, ताकि ये बटाना खाए और हेल्थ अच्छा रहे। 1-2 दिन इसको बिना खाने का रखने में एडवांटेज है, बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला था, ये जो स्विम ब्लैडर डिजीज या एयर ब्लैडर डिजीज कॉन्स्टिपेशन के वजह से होता है, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत पीस बचा है उसको खिलाने के बाद, तो ये नॉर्मल आप अपने दूसरे गोल्डफिश को भी थोड़ा मैश करके छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल सकते हैं और गोल्डफिश खा भी लेगा, ये उनके लिए अच्छा है। हफ्ते में एक बार पीस खिलाने में उनका कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ रहता है, इंटरनल पैरासाइट्स का इश्यू नहीं आता है, ये अच्छी बात है, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। याद रखो टैंक गंदा होगा और उसको फटाफट साफ करना जरूरी है। तो लगता है ये गोल्डफिश को बास्केट ज्यादा पसंद नहीं है, तो बाहर निकाल देते हैं। हाँ, एक्चुअली गोल्डफिश को बास्केट ज्यादा पसंद नहीं आया लगता है, इसलिए बाहर आके अपने दोस्तों के साथ मटर खा रहा है लेकिन बास्केट में नहीं खा रहा था। चलेगा, जब तक वो खाएगा और बीमारी ठीक होगा तो अच्छा ही है ना। ये सब जो चीजें हम लोग करते हैं ना, हमारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम गोल्डफिश हो या कोई भी फिश हो, अगर सिंपल मेडिसिन्स के बारे में हम जाने, सीखे, समझे, तो हमारे फिश भी हैप्पी होंगे, हम भी हैप्पी होंगे। तो अभी आपने देखा ना कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कितना सिंपल है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप भी टेंशन ना लेते हुए समझो बात ना, उसको क्या लगता है, क्या जरूरतें हैं, फिश भी हमारे जैसा है, छोटे छोटे चीज ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं ये आशा करते हुए कि आपने आज भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखा, मजा लिया, और वीडियोस आते रहेंगे, देखते रहो गोल्डफिश के बारे में स्पेशली, ठीक है। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से एंड कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़ एंड शबा खैर। सिंपल नुस्खे, सिंपल मेडिसिन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी जानकारी, बहुत सारा कॉमन सेंस, ओके, जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।